at the end of the day, we don't come here to see a film. More than a story, what we come to see, or what we come to feel, is a sensation. We come to the movies to cry, to laugh. It's like going into an amusement park. Why do you go into an amusement park? To have sensations of different kind, and fear is a sensation. You know, why do you sit on a roller coaster ride? Because it fills you with an adrenaline rush. You like it, you know. It might not be for everybody, but someone's got to provide it. उनका कहना है कि इस घर में कोई भूत प्रेत है। अभी मीमो मेरा पेट नेम है, बट महाक्षय इज माय रियल नेम। तो फिर विकी सर चाहते थे कि इस फिल्म के लिए मेरा जो असली नाम है महाक्षय, वही वो यूज करे। बट यू गैस कैन कॉल मी एनीथिंग, महाक्षय, मीमो, इट्स फाइन। एक्चुअली आई फील सेफ विद स्पिरिट्स बिकॉज यू नो दैट दे आर स्केरी। व्हाट स्केयर्स मी इज पीपल, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे आर। सो but on a more serious note, I think everyone has a genre, and I have seen that when you try to be prolific, people don't like it. They want to slot you. They want to ask you, what are you? Are you a comedy filmmaker, or are you a kind of lollipop romance kind of filmmaker, or are you so I'm like, okay, so if there is no place to be prolific, I'll be a horror filmmaker. I'm good at that. I know there's something wrong there. मेरे फर्स्ट टाइम, ये मेरी फर्स्ट हॉरर फिल्म है, एंड आई मस्ट टेल यू, जो एक्सपीरियंस था इस फिल्म के साथ कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ही था कम्प्लीटली। बिकॉज जैसे आपने कहा, ये फिल्म 3D में है, तो एवरी शॉट को हम लोग को डिटेल में करने पड़ा था। बिकॉज क्या एवरी एंगल पे, जैसे आपका अलाइनमेंट होता था लाइटिंग का, जैसा होता है आपका बॉडी पोजिशनिंग, बहुत डिटेल में करना पड़ता है। सो इट वॉज अ वेरी हेक्टिक जॉब, बट हम लोग को बहुत रीटेक्स करने पड़े, कभी कभी लाइटिंग, कभी कभी कैमरा ठीक से नहीं हुआ है, बट इट वॉज अमेजिंग। नहीं, मित्रों ने कोई टिप्स मुझे नहीं दिए इस फिल्म के लिए। इनफैक्ट वो शूटिंग में भी आए नहीं थे, क्योंकि वो खुद अपने शूटिंग में बिजी थे। बट उन्होंने आके, सिर्फ एक ही दिन आए थे मेरे बर्थडे के वक्त, आके उन्होंने थोड़े से शॉट्स देखे, उन्हें बहुत पसंद आया। एंड इफ यू आस्क अबाउट विक्रम भट्ट, यस, उन्होंने मुझे बहुत बहुत टिप्स दिए। आई थिंक मुझे याद है फर्स्ट 6-7 डेज मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे शॉट्स देने के लिए, बहुत नर्वस था, क्योंकि विक्रम भट्ट, आई मीन कमान, ही इज़ अ वेरी बिग नेम। और उन्होंने मुझे काम डाउन किया, बहुत रिलैक्स किया, एंड देन वंस आई गॉट इट, फिर उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार समझाया, देन इट वाज वन टेक, ओके फिल्म। मैं ये नहीं जानता था कि वो राज मेरा इंतजार कर रहा। जुड़ जा उसके तन से, जी उसके दर्द को। जितना तुम मुझे दर्द से अलग करना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा दर्द वो मुझे दे रहा है। ना अभी तक मुझे पता नहीं है कि मैंने डराया है या मैंने हंसाया है या रुलाया है। मेरा कैरेक्टर, सिंस जैसा आपने सुनाई है, आई एम द मिस्ट्री ऑफ द मूवी दैट रिवील्स ऑन द 15th of April। और मैं ये नहीं जानता था कि मैं उस राज को अपना दिल दे बैठूंगा।